हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। आज का दिन शुरू हो रहा है, आपको पता ही है, पिछला वाला व्लॉग ही कंटिन्यू हो रहा है। मम्मी का बर्थडे था कल और आज मौसी जी का बर्थडे है और मौसा मौसी हमारे यहाँ लंच पे आने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ मटर पनीर बनाने की। हम लोग मटर पनीर और पूरी बना रहे हैं और बाकी रायता सैलेड वगैरह वो तो होता ही है, तो वो लोग लंच में आ जाएंगे 2 बजे तक और उसके बाद ही केक कटिंग होगी मम्मी की भी और मौसी की भी। तो मैं यहाँ पे बस मटर पनीर बनाने की फटाफट तैयारी कर रही हूँ। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं 10 बज रहे हैं अभी सुबह के और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और बस खाना जो है मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बच्चे के साथ ऐसा ही रहता है, फटाफट काम खत्म हो तो अच्छा है। मम्मी भी लगी हुई हैं, मैं भी काम कर रही हूँ और आजकल बबली आंटी भी नहीं है, 2-3 दिन से उनके घर पे कोई इमरजेंसी आ गई है, तो इसलिए मम्मी और मुझे ही सारा काम देखना पड़ रहा है। तो बस यहाँ पे मटर पनीर बनाने के लिए मैंने बड़ी वाली कढ़ाई ली है आज, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं आज खाने वाले, तो इसलिए मैंने बड़ी वाली कढ़ाई ली है। और इसमें मैंने डाला है, सबसे पहले ऑयल डाला है, राइस ब्रैन ऑयल डाला है, उसके बाद जीरा डाला है। जीरा जब बिल्कुल ब्राउन हो जाए उसके बाद आपको डालनी है यहाँ पे प्याज। तो मैंने यहाँ पे 3 पैकेट पनीर लिया है जो मदर डेयरी वाला आता है, तो उसके हिसाब से मैंने 4 बड़ी बड़ी प्याज ली थी, उनको अच्छे से धो के चॉप कर लिया था और वही मैंने यहाँ पे डाली है। और प्याज को अच्छी तरह भूनना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, और जब ये ब्राउन हो जाए तो इसमें डाल दीजिए टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे से भूनिए, बढ़िया से भूनिए जब तक ये नरम ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे और उससे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे मटर का थोड़ा काम। मटर जो है भिगोने में डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे सफल का पूरा 1 किलो का पैकेट लिया था मटर का, 3 पनीर के पैकेट के लिए, और वो मैंने यहाँ पे भिगोने में डाल दिया है। और इसमें आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच चीनी डाली है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मिठास आ जाता है मटर में। और एक उबाल आने तक इसको उबालिए और उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। तो इतने टमाटर जो है वो नरम हो रहे हैं, तो मैंने सोचा मटर का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है टमाटर नरम हो गए हैं, अब इसमें डालेंगे मसाले। तो मैंने इसमें सिंपल मसाले डाले हैं, हल्दी डाली है, मिर्च डाली है और धनिया पाउडर डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें ये तब तक मिक्स करने हैं जब तक जो है अच्छे से आपका तेल ना छोड़ दें ये मसाले। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने तेल छोड़ना शुरू कर दिया, अच्छे से टमाटर जो है वो पक गए हैं। तो अब मैंने यहाँ पे डाली है 3 चम्मच दही, और दही डालने के बाद आपको फटाफट जो है वो चलाते रहना है एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि नहीं तो दही जो है वो फट जाएगी और पनीर जो है वो बहुत ही गंदा टेस्ट आएगा उसका। तो जैसे ही आप दही डालें उसको एक ही डायरेक्शन में चलाते रहिए जब तक जो दही है उसके साथ अच्छे मिक्स मसालों के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और उसके साथ ही मैंने एक पूरा पैकेट यहाँ पे क्रीम का डाल दिया है जो मदर डेयरी का आता है, और इसको चलाइए। और जब क्रीम थोड़ी पक जाए उसके बाद आपको यहाँ पे बाकी चीज़ें डालनी है। तो ये देखिए यहाँ पे क्रीम जो है वो अच्छे से उबाल सा आ गया है, पक गई है। तो अब आप यहाँ पे डाल दीजिए मटर जो आपने उबाली थी, और साथ में मैंने पनीर पहले ही अच्छे से धो के कट कर लिया था, तो यहाँ पे पनीर डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद इसमें पानी डाल दीजिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमारे यहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है, ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा खाई जाती है, तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है और इसको उबलने दीजिए अच्छे से, जैसे पानी इसके साथ बढ़िया से मिक्स हो जाए और पानी और मटर पनीर अलग अलग ना लगे। और यहाँ पे देखिए उबाल सा आ गया है इसमें, तो मैंने 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और अच्छे से मिक्स करके इसमें उबाल अच्छे से आने दीजिए। अब यहाँ पे उबल गया है मटर पनीर, अच्छे से पानी जो है वो पक गया है, तो इसमें लास्ट में हम मसाले डालेंगे। 1 चम्मच भर के गरम मसाला डाल दीजिए, तो आधा चम्मच फिर दोबारा से धनिया पाउडर डालिए, और साथ में डालिए आधा चम्मच आमचूर, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और सबसे लास्ट में बस कस्तूरी मेथी डालिए और उसके बाद इसको ढक दीजिए। कस्तूरी मेथी की खुशबू इसमें बहुत ही बढ़िया रहेगी और बहुत ही अच्छा मटर पनीर बना था, सबने बहुत तारीफ़ की थी, आप भी ये रेसिपी ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद जैसे ही मैंने मटर पनीर बनाया, इवान को भूख लग गई थी, तो मैंने तो उसके लिए रोटी सेक दी थी फटाफट आटा गूंद के। वैसे तो सबको हमने पूरी सर्व की थी, लेकिन इवान के लिए मैंने रोटी बना दी थी और उसको सबसे सबके आने से पहले ही खिला दिया था, क्योंकि फिर वो सबके साथ खेलने में लग जाता है और कुछ भी नहीं खाता है। तो उसने यहाँ पर रोटी खा ली थी, और बस यहाँ पर मम्मी गरम गरम पूरियाँ तल रही हैं, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि मैं तल देती हूँ तुम सर्व कर दो, तो बस मम्मी यहाँ पर पूरियाँ बना रही हैं गरम गरम, और मैंने सर्व कर दिया था और सबका लंच हो गया था और सबको खाना बहुत ही अच्छा लगा था। और बस इसके बाद यहाँ पे जो है सब खाना खाने आ गए थे, और बीच में इवानका की जो है ये मस्ती चल रही है, वो बिना बात ही हंसे जा रहा था। उसको सबका साथ बहुत अच्छा लगता है, सब आते हैं घर में तो बड़ा खुश हो रहा था, सबके साथ खूब मस्ती कर रहा था, खेल रहा था। और जब से इवान हमारी लाइफ में आया ना, किसी का भी बर्थडे हो हमेशा वही कट करता है केक। तो देखिए यहाँ पे जो है वो केक कटिंग चल रही है और इवान जो है वही केक कट कर रहा है, जबकि बर्थडे मौसी का है, मम्मी का भी, मतलब हम आज ही कर रहे हैं केक कटिंग। तो बस यहाँ पे केक कटिंग चल रही है, सब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आया था, बहुत ही बढ़िया दिन रहा। Thank you.
हो गई केक कटिंग, सबने खाना खा लिया और सब लोग वहाँ पे चाय पी रहे हैं। मैं बना के देके आई हूँ बस। इवान ये देखिए पीछे सो गया है। और बढ़िया रहा आज का दिन। मटर पनीर की रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और बस मैं व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। कुछ और रेसिपी मैं इंक्लूड करूँगी तो और खामखा खिंच जाएगा। एक रेसिपी ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है व्लॉग में, तो यहीं पे एंड करती हूँ इस व्लॉग को। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी बेबी हैप्पी।